दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको क्रॉप टॉप का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। इसमें मैं सिंगल क्रोशे बैक लूप और स्लिप स्टिच का प्रयोग करते हुए बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से धागा लपेटनी है और ये जो पीछे का धागा है वो आपको इस तरीके से खींचना है। देखिए ये स्लिप नट, और ये स्लिप नट बनाने के बाद आपको चेन डालनी है। देखिए इस तरीके से चेन डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, इसमें 11 चेन डाल रही हूँ और एक चेन एक्स्ट्रा, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से आपको सिंगल क्रोशे बिनाई बेल लेना है। इस तरीके से आपको 11 चेन में सिंगल क्रोशे बिनाई बेल लेना है, फिर एक चेन डालना है और फिर देखिए ये बैक लूप, और देखिए इसमें दो लूप है, इसका बैक लूप से हम बनाएंगे इस तरीके से सिंगल क्रोशे बिनाई बीनते हुए। इसी तरीके से बनाइएगा सारी चेन में बैक लूप से सिंगल क्रोशे बुनाई बुनते हुए। देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट वाला चेन है, इसमें भी आपको सिंगल क्रोशे बनानी है बैक लूप से। अब देखिए इधर हम एक चेन एक्स्ट्रा डाल रहे थे, उसी में हम एक में से तीन बार बनाएंगे, एक दो तीन, इस तरीके से बनानी है आपको। देखिए एक में से तीन बार बनाने के बाद इधर हमारा चेन है, चेन से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सारी चेन में आपको सिंगल क्रोशे बिना बेल लेना है इस तरीके से, फिर एक चेन डालना है, फिर पलटना है। अब देखिए इधर फिर दो लूप है, इसका पीछे वाला लूप से आपको सिंगल क्रोशे बिना बेल लेना है। देखिए इस तरीके से बैक लूप सिंगल क्रोशे बिना बेल लेना है आपको। देखिए इस तरीके से बनानी है। देखिए इधर हम एक में से तीन बार बनाए थे और ये बीच वाला है। अब देखिए बीच वाले में आपको एक में से तीन बार बनानी है। देखिए इसमें एक बार और ये बीच वाले में एक में से तीन बार, एक दो तीन, इस तरीके से बनाना है। एक सिंगल क्रोशे इस तरफ और एक सिंगल क्रोशे इस तरफ बढ़ता जाता है, इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए ये तीसरी वाली है, इसमें एक बार बनाएंगे और बाकी का चेन में हम इसी तरीके से सिंगल क्रोशे एक एक बार बैक लूप से बनाएंगे। देखिए इस बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है, बहुत ही आसान है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करिएगा, अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है, फिर एक चेन डालना है, फिर पलटना है। अब देखिए इधर फिर हमारा दो लूप है, इसका बैक लूप से बनाएंगे, एक दो तीन, इसी तरीके से हम सारी चेन का बैक लूप से बनाएंगे। और इसी तरीके से बनाते हम इधर आ रहे हैं, अर्थात एक ही में से हम तीन बार बनाए थे वो वाला फर्स्ट में आपको बैक लूप से सिंगल क्रोशे बिना बेल लेना है। और देखिए ये बीच वाला है, इसमें एक में से तीन बार बनानी है, देखिए एक दो तीन, और देखिए थर्ड वाले में आपको एक बार बनानी है और बाकी का चेन में फिर आपको इस तरीके से सिंगल क्रोशे बिना बैक लूप से बनाना है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। देखिए ये लास्ट वाला है और इस तरीके से पलटते हुए आपको इसमें बनानी है। देखिए फिर एक चेन डालना है, फिर पलटना है, और देखिए इधर दो लूप है, इसका बैक लूप से फिर हम बनाएंगे। देखिए सारी चेन में आपको इसी तरीके से बनानी है। इस तरीके से बनाते हुए मैं इधर एक ही में से तीन बनाए थे उधर आ रही हूँ। फर्स्ट वाले में आपको एक बार बनानी है और दो सेकेंड वाले हैं, इसमें हम एक में से तीन बार बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, और फिर बाकी में हम एक एक बार सारी चेन से बनाते हुए बनानी है। अगर आप दूसरी साइज का बनाना चाहते हो तो लेंथ लेना है आपको टॉप का, टॉप तक का एरिया का लंबाई लेने के बाद आपको चेन डालनी है और फिर इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है अगर आप दूसरी साइज का बनाना चाहते हो तो। देखिए मैं इस तरीके से इतनी बना रही हूँ। देखिए इधर ये डिज़ाइन बनकर आ रहा है, ये डिज़ाइन आप कम बेसी कर सकते हैं। अब देखिए इधर मैं गन रही हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः, छः डिज़ाइन है मेरा। अगर आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन कम बेसी कर सकते हैं, आपका साइज का हिसाब से नाप कर बनाइएगा।
देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। इन्हें मैं दो बना रही हूँ, देखिए इस तरीके से मैं दो बना रही हूँ। और दो बनाने के बाद आपको इसका चेन, ये धागा, और देखिए इसका चेन इस तरीके से लेना है और फिर स्लिप स्टिच लगानी है और फिर इसका ऊपर दो चेन डालना है, एक और ये दो। अब देखिए इतनी बनाने के बाद आपको ये धागा लग करनी है। देखिए इस तरीके से लग करिएगा, जितनी भी आपका पास रोस्टेड धागा है आप इसी तरीके से लग कर सकते हैं, इसी तरीके से आपका ये धागा लग करने है। अब देखिए ये मैं धागा लग कर चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से बनाने के बाद इधर हम धागा लगाएंगे दूसरा कलर का, और फिर देखिए इधर दो लूप है, इसी का बैक लूप से हम सिंगल क्रोशे बिने बीनते हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सारी चेन में हम इसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये फर्स्ट वाला है, इसमें एक बार बनाएंगे, और जो बीच वाला सेंटर का है इसमें एक में से तीन, एक दो तीन इस तरीके से बनानी है। फिर देखिए इस तरीके से बैक लूप से सिंगल क्रोशे बिने बीनते हैं सारी चेन में। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इधर आ रही हूँ। देखिए ये चेन हुए, चेन से भी बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच बार बनाने के बाद मैं ये चेन से बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से फर्स्ट चेन में एक बार बनानी है और ये सेकंड चेन है, एक में से तीन बार बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये बीच वाले में इस तरीके से बनानी है और ये लास्ट वाला है, इसमें एक बार बनाएंगे बैक लूप से। देखिए इतनी बनाने के बाद मैं इधर आ रही हूँ लास्ट में। इस तरीके से बनाइएगा। देखिए इसमें एक चेन डालना है, फिर इसका बैक लूप से सिंगल क्रोशे बिने बेल लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना रही हूँ। इस तरीके से बनाना है। इधर हम एक ही में से तीन बनाए थे, फर्स्ट वाले में एक बार बनानी है। और देखिए मैं इसकी सेंटर वाले में आ रही हूँ। ये सेंट्रल वाली चेन में आपको इस तरीके से एक बार सिंगल क्रोशे बनानी है, फिर एक दो तीन इस तरीके से आपको 110 चेन डालना है। इस तरीके से बनाइएगा। आप आपका साइज का हिसाब से चेन बड़ा और घटा सकते हैं, पर ये चेन घटाने की ज़रूरत नहीं है, आप चेन बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए एक चेन डालना है और फिर दूसरी चेन से आपको स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से सारी चेन में इसी तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे। आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से बनाइएगा स्लिप स्टिच। अब देखिए इस तरीके से आपको डोरी बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना रही हूँ। इधर भी मैं चेन से स्लिप स्टिच लगाऊंगी। देखिए इधर से हम बनाना शुरू कर रहे थे, इसमें ना बनाकर दूसरी में आपको फिर स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर नीचे से हम फिर स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। ये दो हिस्से जोड़ रहे थे हम इधर, इधर ही मैं बना रही हूँ अभी। आप देख सकते हैं, देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है स्लिप स्टिच।
करते हुए इस तरीके से बनानी है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना रही हूँ और इसकी मैं ऊपर साइड में आ रही हूँ। ये एक बार स्लिप स्टिच और ये जो बीच का हिस्सा है इसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसका ऊपर आपको चेन डालनी है। देखिए इस तरीके से आपको 110 चेन डालना है। मैं 110 चेन डाल चुकी हूँ। एक चेन एक्स्ट्रा डालना है और फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से आपको स्लिप स्टिच बुने बेल लेना है। देखिए इस तरीके से आपको लूज हाथ से बनानी है स्लिप स्टिच। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इस तरीके से बनाइएगा। इधर हम एक में से तीन बार बनाए थे वो वाले में कनेक्ट करनी नहीं है आपको, और इसका दूसरी वाली चेन में आपको फिर इसको कनेक्ट करनी है। देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशे से कनेक्ट करनी है और इसी तरीके से आपको फिर बैक लूप से सिंगल क्रोशे बनाई बीनते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सारी चेन में सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। इस तरीके से बनानी है आपको। अब देखिए ये लास्ट वाले है, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं धागा कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको गांठ लगानी है। देखिए गांठ लगाने के बाद आपको ये धागा लग लगानी है। जितनी भी आपके पास स्ट्रेट धागा है इसी तरीके से लग लगाइएगा। देखिए इधर मैं जिस तरीके से लग लगा रही हूँ उसी तरीके से लग लगानी है आपको। बाकी स्ट्रेट धागा भी इसी तरीके से लग लगाइएगा। देखिए फिर आपको स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के बाद आपको चेन डालनी है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस चेन भी डाल सकते हैं आप छोटे साइज का बनाना चाहते हैं तो। ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह चेन डाल रही हूँ मैं और इसमें आप और एड कर सकते हैं आप साइज का हिसाब से। देखिए ये 15 चेन बनाने के बाद इधर मैं कनेक्ट कर रही हूँ। इस तरीके से सिंगल क्रोशे से कनेक्ट करनी है और फिर देखिए इधर से हम ये ऊपर वाले हिस्से में एक बार उठाएंगे और ये नीचे वाले हिस्से में एक बार उठाएंगे। फिर देखिए ये ऊपर वाले हिस्से इसमें हम एक बार उठाएंगे और जो नीचे वाले हिस्से इसमें एक बार उठाएंगे। इस तरीके से आपको चेन डालते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं इतनी बना रही हूँ। इधर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे चेन से। इसमें मैं फ्रंट और बैक दोनों लूप लेकर बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं इतनी बना रही हूँ। अब देखिए इधर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ऊपर वाले में एक और ये लास्ट वाले में आपको एक बार उठानी है। देखिए इस तरीके से बनानी है। इसका ऊपर चेन डालनी है। इधर आपको 15 चेन डालनी है पर आपको चेन बढ़ानी है आपका साइज का हिसाब से। आप चाहे तो चेन कटा भी सकते हैं। 10 चेन 15 चेन 20 चेन आपका साइज का हिसाब से बनाइएगा साइज लेकर। देखिए इधर मैं 15 चेन डालकर फिर इसकी उल्टी साइड से बना रही हूँ। एक चेन में एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है सारी चेन से सिंगल क्रोशे बिना बीनते हुए। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद इधर मैं जिधर मैं उठा रही थी उधर साइड आ रही हूँ
और इसकी चेन में भी आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। बैक लूप से, सिंगल क्रोशे में हम शुरू से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से, फिर एक चेन डालने के बाद देखिए इसका बैक लूप से बनानी है आपको इस तरीके से। सारे चेन में हम बैक लूप से सिंगल क्रोशे बिने बिनते हुए बनाएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए इधर चेन से भी आपको इसी बात को रिपीट करनी है। इस तरह का डिजाइन बनकर आता है। देखिए मैं इतनी बना रही हूँ। इस तरीके से आपको बनानी है। लास्ट वाला चेन है, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। फिर आपको इसका ऊपर एक चेन डालना है, फिर इसकी उल्टी साइड से बनानी है आपको पलट कर इस तरीके से बैक लूप से सिंगल क्रोशे बिने। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। देखिए मैं इतनी बना रही हूँ। आप चाहे तो इसका बॉर्डर अर्थात इसका लंबाई बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बना रही हूँ बैक लूप से सिंगल क्रोशे बिने। देखिए इस तरीके से बैक लूप से सिंगल क्रोशे बिने बिनते हुए आप चाहे तो जितना लंबाई भी बना सकते हैं इसका बॉर्डर। देखिए पर मैं इतनी बना रही हूँ। और इतनी बनाने के बाद अब देखिए ये चेन आप आपका साइज का हिसाब से बनाइएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए इधर एक चेन डालना है और ये धागा कट करनी है। कट करने के बाद आपको ये धागा लॉक लगानी है इस तरीके से। अब देखिए इतनी बनाने के बाद अब इधर हम रस्सी के लिए होल्डर बनाएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी बनाने के बाद अब देखिए इधर हम दूसरी रंग का धागा लगाएंगे। देखिए इस तरीके से इधर से आपको धागा लगानी है, फिर आपको धागा लगानी है। धागा लगाने के बाद हम चेन डालेंगे, एक चेन सिंगल क्रोशे बिनाई के लिए। अब देखिए इधर ये ऊपर वाले हिस्से से हम एक बार उठाएंगे सिंगल क्रोशे बिने बिनते हुए। और जो देखिए इधर इसकी साइड में फिर हम एक बार उठाएंगे, फिर ऊपर वाले साइड में फिर नीचे वाली साइड में भी एक बार उठाएंगे। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। ये धागा इस तरीके से लेते बनानी है आपको। देखिए ये नीचे वाले हिस्से में फिर मैं उठा रही हूँ और धागा लेकर साथ साथ बना रही हूँ। वैसे धागा आपको इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए ये ऊपर वाले में उठानी है और इसका लास्ट वाले में भी आपको उठानी है। तो इस तरीके से बनाइएगा। देखिए अब इसकी बैक साइड से बनानी है आपको। एक चेन डालना है और फिर बैक साइड पलटना है।
बैक साइड पलटने के बाद आप देखिए इधर दो लूप है, इसकी बैक लूप से आपको बनानी है सिंगल क्रोशिया बिना बीनते हुए। इस तरीके से बनाइएगा सारी चेन में बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बिना। इस तरीके से बनाने के बाद एक चेन डालना है, फिर आपको इस साइड से बना लेना है बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बिना। देखिए इधर दो लूप है, इसके बैक लूप से इस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं शुरू से। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा साड़ी में, इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। इस तरीके से बनाना है, इधर आपको इस तरीके से पलटते हुए ये वाले में भी बनानी है। इस तरीके से बनाइए, इसका ऊपर इसी तरीके का दो डिज़ाइन बनानी है। और दो डिज़ाइन बनाने के बाद आप चेन के लिए होल्डर डाल सकते हैं। देखिए एक चेन डालना है, और फिर पलटनी है आपको इस तरीके से। फिर इसी का बैक लूप से फिर बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी चेन में बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बिना। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाती हूँ। देखिए इसकी लास्ट में आ रही हूँ मैं, लास्ट में भी आपको इसी तरीके से बनानी है इस तरीके से। ये इसकी उल्टी साइड है। अब देखिए एक चेन डालनी है और इसकी सीधी साइड से इस तरह का नज़र आता है। अब इधर आपको दो चेन बुनकर एक चेन छोड़नी है और ऊपर भी एक चेन डालना है। इस तरीके से आपको ये जो होल है इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए इतनी बना रही हूँ मैं, और इतनी बनाने के बाद अब मैं ये धागा कट कर चुकी हूँ, और फिर आपको लक लगानी है इस तरीके से। और ये ओस्टेड धागा आपको लक लगानी है, और दूसरी साइड का भी इसी तरीके से बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए देखिए इधर साइड भी। अब देखिए इधर हम डोरी इस तरीके से डालेंगे, आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको डोरी डालनी है, अगर आप मोटे हैं तो इस तरीके से भी डोरी डाल सकते हैं। देखिए ये मैं इधर सजा रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए ये बनकर रेडी है। इस तरीके से आपको बनानी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए विदा होती हूँ दीपा नीटिंग चैनल, धन्यवाद।